हे भाई लोग, कैसे हो आप सभी। मैं हूं रुपेश एंड आप देख रहे हो तेज गेमिंग यूट्यूब गेमिंग चैनल। कैसे आज का इस वीडियो बहुत ही यूजफुल और ओपी होने वाला है, तो यार वीडियो को लास्ट तक बने रहना। इसमें यार बात करेंगे नवंबर इलाइट पास प्री ऑर्डर रिवॉर्ड के बारे में कि क्या आपको देखने को प्री ऑर्डर में मिलेगा और यार कैसे कर सकते हो। साथ में इसमें डायमंड कितने लगने वाले ये भी बताएंगे। यहाँ पे बात करेंगे एलविन के बंडल्स के बारे में, एलविन के बंडल्स आपको कहाँ और कैसे किस इवेंट में देखने को मिलने वाले हैं। साथ में आपको पता है आटे वारे के दो बंडल मिल चुके हैं और दो बंडल अभी बाकी है, तो यार उसके बारे में बात करेंगे कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे। मैजिक क्यू के बारे में बात करेंगे जो कि लाइट टॉप बरमूडा इवेंट आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। कैलेंडर के बारे में बताएंगे जहां पे आपको मैजिक क्यूब देखने को मिल जाएंगे और इसके फ्रेगमेंट वगैरह। उसके अलावा मैजिक के स्टोर में आपको कौन कौन से नए बंडल देखने को मिल सकते हैं और यार कब तक स्टोर अपना अपडेट होगा ये भी बताने वाले हैं। साथ में यहाँ पे स्टेप अप इवेंट के बारे में बात करेंगे जिसमें हमें पहले भी M1887 का गन स्किन देखने को मिल चुका है। इलाइट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में बात करेंगे और मिसिस शॉप 11.0 को भी लेकर बात करने वाले हैं। तो आपको यार वीडियो में काफी ओपी ओपी लेवल के इवेंट्स कवर करने वाले हैं, तो यार बस आपको वीडियो में बने रहना है। और नवंबर के यार इस मतलब इस वीडियो को देखने के बाद नवंबर के लगभग आधे इवेंट आपके यहाँ पे कवर हो जाने वाले हैं, तो बस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं टॉप ऑफ इवेंट के बारे में, जो कुछ टॉप ऑफ इवेंट के बारे में बात करते हैं जिसमें आपको कैप्टन भुया का इमोट देखने को मिल सकता है। इसके पहले भी कैप्टन भुया का इमोट हमारे गेम के अंदर आ चुका है, जिसमें हमने लोल किया था जैसे डुअल व्हील इवेंट करके आया था, उसमें थोड़े बहुत ग्लिच भी हुए थे, बट यार ग्लिच वो सॉल्व हो गया। जिसने ग्रांटेड यहाँ पे स्पिन मारे हैं उनको ग्रांटेड ग्रैंड प्राइज मिल भी गया। नेक्स्ट यहाँ पे बुइया के थीम पे यहाँ पे कटाना का स्किन भी देखने को मिल सकता है जो कि काफी ओपी लेवल है। बात करते हैं यहाँ पे मिस्ट्री टॉप अप बोनस भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जिसमें आप लोग मिस्ट्री यहाँ पे डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाता है। जैसे आप देख सकते हो 46% यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, मतलब 100 डायमंड आप टॉप अप करते हो तो 46 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो ऐसा भी आपको टॉप अप इवेंट देखने को मिल सकता है। और यार ये नवंबर के मंथ में सभी के सभी टॉप अप इवेंट आपको इजी धीरे धीरे करके देखने को मिलने वाले हैं, तो काफी ओपी ओपी लेवल के टॉप अप इवेंट है। तो आप लोग कमेंट करके बताना इसमें से कौन सा टॉप अप इवेंट आपको सबसे बेस्ट लगा। बात करते हैं आटे वारा के बंडल के बारे में, तो आपको एक मिल जाएगा ब्लैक कलर में और दूसरा मिल जाएगा व्हाइट कलर में। इन दोनों के बारे में ऑलरेडी पहले भी वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन यार यहाँ पे बताते हैं यहाँ पे क्या क्या लिख्स आ रहे हैं इन दोनों बंडल को लेकर। तो यार अगर ब्लैक वारे की बात करें तो इसमें भी आपको एक आ रहा है द एंडलेस इवेंट के बारे में, जहाँ पे आपको 3 दरवाजे देखने को मिल जाएंगे, उसमें डायमंड का लोल करके आपको खोलना है और यार उसमें ही आपके बैक मतलब वहाँ पे दरवाजे के पीछे छुपा होगा आटे वारा का बंडल, वहाँ से निकल जाएगा भाई, तो ऐसा कुछ होने वाला है। और साथ में ये आपको देखने को मिल सकता है स्पेशल रोल के अंदर भी। और व्हाइट वाले के बारे में बात करते हो, इसमें ये भी आपको स्पेशल रोल के अंदर मिल सकता है। और एक और है जो कि यार बहुत ज़्यादा डायमंड खाता है, फैडेड व्हील, वहाँ पर भी आपको आटे वारा का बंडल देखने को मिल जाएगा। और साथ में द बिगनिंग इवेंट है, उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सभी इवेंट थे जहाँ पर आपको ये आटे वारा के दोनों बंडल देखने को मिल सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे रॉयल स्पेशल के बारे में, यानी कि स्पेशल रोल के बारे में, जहाँ पे आपको गन स्किन और साथ में यहाँ पे हेलोवीन के थीम पे बेस्ट जो भी बंडल्स वगैरह है सभी देखने को मिलने वाले हैं और काफी ओपी ओपी लेवल के बंडल्स है। और यार ये बंडल्स कुछ समय मतलब इसके पहले जो हेलोवीन इवेंट आया था उसमें भी देखने को मिले थे, तो उस टाइम बहुत सारे बंदे नहीं निकाले थे, तो जो नए हो या पुराने हो इस टाइम भी आप लोग निकाल सकते हो। तो यार मुझे ये काफी सही लगा कि यार आपको दोबारा से यहाँ पे हेलोवीन के जो भी बंडल्स वगैरह है देखने को मिल रहा है, तो ये काफी ओपी लेवल बात है। ये आपको कहाँ देखने को मिल सकते हैं ये बता देते हैं। तो गाइस ये आपको स्पेशल रोल के अंदर देखने को मिल सकता है। इस स्पेशल रोल के अंदर देख सकते हो यार बंडल्स आपको 4 यहाँ पे बंडल्स शो हो जा रहे हैं और ये चारों के चारों बंडल्स आपको स्पेशल रोल के अंदर प्राइजेस के अंदर देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको डायमंड का लोड करना होगा और यार निकाल सकते हो। यहाँ पे साथ में टोकन भी दिया गया, मतलब बंडल्स भी निकल सकता है और यहाँ पे टोकन दिया गया। अगर बंडल्स नहीं निकलता है तो टोकन अगर आपके पास हो जाते हैं तो यहाँ पे टोकन भी आपके पास अगर कुछ लिमिट्स हो जाते हैं, जैसे जितना डिमांड है टोकन का, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे 50 टोकन के लिए एक बंडल आप एक्सचेंज कर पाओगे, वैसे आपके पास टोकन भी हो जाते हैं तो टोकन से भी एक्सचेंज कर पाओगे। और साथ में यहाँ पे ब्रांड प्राइस के रूप में ये बंडल्स तो हैं ही। नेक्स्ट बात करते हैं प्री ऑर्डर रिवॉर्ड के बारे में, आपको बता दिया नवंबर इलाइट पास का प्री ऑर्डर आ चुका है हमारे इंडिया सर्वर के अंदर। अगर आप लोग करना चाहते हो प्री ऑर्डर तो यार कर सकते हो, और यार ये उन बंदों के लिए जिनके पास डायमंड वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, तो यार डायमंड का अपना खर्च कर सकते हो। और यार आप सभी को पता है कि यार इस बार इलाइट पास देखने को नहीं मिला है, तो यार लास्ट में बात करेंगे यार अगली बार भी आपको देखने को मिलेगा या नहीं और इस मंथ आपको किस कारण से नहीं देखने को मिला ये सभी बताने वाले हैं। तो बस बने रहना वीडियो के साथ यार, बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको चीजें यहाँ पे मिल जाती है चैनल के साथ। तो यार अभी तक आपने वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं मारा है तो यार बहुत गलत बात है, लाइक चिपका दो और शेयर मार दो उन बंदों के पास जिनको नहीं पता यार इस वीडियो में जो बताने वाले हैं, यार सबको यार जानना जरूरी है, तो उनके पास शेयर भी मार देना। और यहाँ पे बात करें तो यार ये प्री ऑर्डर के रूप में आपको देखने को मिलने वाला हैट जो कि यार काफी ओपी लेवल है, और साथ में यहाँ पे कुछ एपिक्स वगैरह मैसेज वगैरह भी यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये काफी सही है और मुझे तो काफी लगा ये अच्छा हैट। लेकिन बात करें तो प्री ऑर्डर यहाँ पे करना होगा, जिसके लिए आपको 999 डायमंड लगने वाले हैं, तो यहाँ पे चाहो तो अभी प्री ऑर्डर कर सकते हो और ये प्री ऑर्डर 31 अक्टूबर तक आप कर सकते हो। और
उसके बाद आपको मिल जाएंगे कुछ बैजेस एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं, और साथ में प्री ऑर्डर लेने से फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पे बैजेस के साथ साथ प्री ऑर्डर रिवॉर्ड भी मिल जाता है। अभी अभी बहुत सारे बंदे ये पूछ रहे थे प्री ऑर्डर रिवॉर्ड बता दिए, बट यार इसके आइटम के बारे में भी रिव्यू करके बता दे कि क्या क्या आपको देखने को मिलने वाले हैं। जैसे यहाँ पे बता दे मॉन्स्टर का यहाँ पे स्किन देखने को मिलने वाला है जो कि यार इसी के थीम पे बेस्ड होने वाला है, और फीमेल का कॉस्ट्यूम देख लो यार काफी ओपी लेवल कॉस्ट्यूम है, और साथ में यहाँ पे जो यार जैकेट है अभी ठंडी का समय चला है और जैकेट पहनना भी जरूरी है, तो यार ये दे दिया गया और ये काफी ओपी लेवल लगा मुझे, और ये जैकेट जो है काफी सही लगा। यहाँ पे पैंट भी इसका सही है, और शूज की बात करें तो ये भी सही है। इसके साथ ही आपको न्यू ट्रीटमेंट गन का स्किन भी देखने को मिलने वाला है जो कि काफी ओपी लेवल है, और साथ में यहाँ पे स्केटबोर्ड भी देख सकते हो काफी सही है, और सभी के सभी यहाँ पे जो भी आइटम है सभी म्यूजिक के थीम पे बेस्ड है। तो यार इसका इंट्रो भी आपने पहले देख चुके होंगे, तो वो भी काफी इंट्रो भी है काफी अच्छा है, साथ में ग्रेनेड का स्किन, यहाँ पे लूट बॉक्स देख सकते हो यार, मतलब यहाँ पे लूट बॉक्स वो सही में बॉक्स बना दिया गया है जहाँ पे आप साउंड वगैरह सुन सकते हो आत्मा की, तो भूत वाली आप घोस्ट को मार देना और मारने के बाद घोस्ट वाली आवाज सुनना उस बॉक्स के अंदर से। साथ में मेल का बंडल देख लो यार काफी ओपी लेवल बंडल है, और यहाँ पे जो ऊपर से यहाँ पे मास्क कवर किया गया है हेड को कवर किया गया है ये मुझे काफी सही लगा। बाकी यहाँ पे बात करें तो मेल बंडल कुछ सही नहीं है, बट यार आप लोग बताना कमेंट करके क्या है। अब बचा यार वन डे आपको बचा यहाँ पे जो बरमूडा लाइट ऑफ बरमूडा इवेंट है ये आने में, और इसमें आपको ये बंडल देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में, जैसे इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि आपको ये फ्री में मिलने वाला है। अब यार ये बात करें तो ओवरऑल ये बंडल काफी मुझे सही लगा, और जहां तक बंदे बता रहे हैं ये बाहुबली का बंडल होने वाला है, तो आप लोग जरूर बताना बाहुबली का ये बंडल आपको कैसा लगा, और यार बाहुबली को आप लोग ज्यादा पसंद करते हो इसलिए यहाँ पे आपको फ्री में भी देखने को मिल रहा है ये, और हेयर स्टाइल जो है काफी ओपी लेवल है, और यार उसी टाइप से दिया गया है जिस टाइप से बाहुबली का यहाँ पे हेयर स्टाइल था। बट यार बात करें तो कुछ बंदे ये हैं जो कि बता रहे कि ये तानाजी का बंडल है, और तानाजी आप सभी को पता है मेरे फेवरेट एक्टर जो है अजय देवगन उनकी मूवी है, और तानाजी से ये पूरा का पूरा मैच कर रहा है बंडल, बहुत सारे बंदे ये बता रहे हैं, तो यार ये बंडल हो भी सकता है। आप लोग जरूर बताना कि ये तानाजी से मैच करता है या बाहुबली से, मुझे जहां तक लगता है दोनों से मैच करता है, बट यार तानाजी सबसे बेस्ट होगा जो कि यार तानाजी से ज्यादा यहाँ पे मैच करता है। बात करते हैं स्टेप अप इवेंट के बारे में जो कि यार ऑलरेडी हमारे इंडिया सर्वर के अंदर देखने को मिल भी चुका है, और इसमें M1887 का स्किन भी देखने को मिल चुका है जो कि यार डैमेज वाला है, तो इसमें आपको यहाँ पे दोबारा से देखने को मिल सकता है इवेंट जिसमें आपको यहाँ पे ब्रांड प्राइज के रूप में यहाँ पे ये बंडल देखने को मिल सकता है जो कि यार इसके पहले भी हमें इंडिया सर्वर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। लेकिन यार ये जब इवेंट आएगा तो ये भी हो सकता है कि इन बंडल्स के अलावा या इन जो यहाँ पे आइटम वगैरह शो हो रहे हैं इनके अलावा आपको कोई दूसरा भी चीज देखने को मिल सकता है, जैसे कुछ न्यू यहाँ पे गन स्किन देखने को मिल सकते हैं, और साथ में बात करें तो कुछ न्यू बंडल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो ये हो सकता है, और जैसे इवेंट आता है आपको जरूर मिल जाएगा और नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो यार सब्सक्राइब इसके लिए कर लेना और बेल आइकन तो दबाना भूलना भी मत यार। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैलेंडर के बारे में मैजिक क्यूब के बारे में, तो यार बता दें कि यार मैजिक क्यूब का यहाँ पे जो भी चलने वाला है आपको बता दें कल से स्टार्ट हो जाएगा, और यार जहां तक आपको गेम में भी शो हो जा रहा होगा वन डे जो टॉप लाइट ऑफ बरमूडा इवेंट है ऐसा कुछ लिख रहा होगा, तो ये शुरू हो जाएगा कल से, और कल के इवेंट में आपको हो सकता है कैलेंडर भी जारी किया जाए, और कल अगर जारी नहीं किया भी जाता तो हम बता देते हैं कि क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है जो कि यार अभी बाहर के सर्वर में देखने को मिल रहा है। इंडिया में हो सकता है कुछ चेंज हो के आ जाए, बट यार ये अभी बाहर के सर्वर में ऐसे कुछ आ रहा है कैलेंडर जिसमें आपको यहाँ पे UMP का गन स्किन कस्टम कार्ड, साथ में यहाँ पे हेलोवीन का टोकन देखने को मिल जा रहा है, और साथ में यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिशन भी कंप्लीट करने पे जैसे आप लोग डेली लॉग इन करते हो या मैच बुइया करते हो कुछ बंदों के साथ खेलते हो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो ऐसे ऐसे कुछ मिशन आपको मिल जाएंगे जहाँ पे ये सभी खेल के आपको जो भी यहाँ पे मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट भी मिलने वाले हैं, और यहाँ पे मैजिक क्यूब पूरा का पूरा मैजिक क्यूब भी मिलने वाला है, तो यार काफी ओपी लेवल बात है। उसके अलावा आपको बताया भी थे पिछले वो कई वीडियो में बताते आ रहे हैं कि आपको यहाँ पे गन स्किन के साथ साथ इमोट भी फ्री में मिलने वाले हैं, और यार ये काफी अच्छी अच्छी बात है कि आपको दिवाली के टाइम पर काफी सही सही चीजें और फ्री में देखने को मिल जा रहे हैं। अब यार यहाँ पे बहुत बात करते हैं, बहुत सारे बंदों के यहाँ मैजिक क्यूब तो मिलेगा, बट यार मैजिक क्यूब का सही इस्तेमाल अगर करना चाहते हो तो आप लोग को अभी यार वेट करना, क्योंकि भाई यार आपको पता है कि मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर अभी कुछ खास बंडल नहीं ऐड किए गए हैं, और यार अगर आप लोग चाहो तो निकाल भी सकते हो जो यार नए बंदे निकाले हैं यहाँ पे डायमंड रोल से जो मिस्टिक सिकर है आर्कन सिकर करके बंडल जो है, और यहाँ पे और भी बंडल्स है जो कि यार नए ऐड किए गए हैं, तो ये अगर आपने नहीं निकाला है तो निकाल भी सकते हो अगर आपकी चॉइस है तो, बट यार मैं कहूँगा ये कुछ खास बंडल नहीं है। और यार बहुत सारे बंदे ये भी कमेंट कर रहे हैं कि यहाँ पे बंडल ये कुछ खास नहीं है जो मैजिक क्यूब स्टोर के अंदर है, तो आपको बता दें कि यार जैसे यार दिवाली का इवेंट चल रहा है तो इसमें आपको मैजिक क्यूब दिए जा रहे हैं, तो यार इसमें ये बात है कि आपको मैजिक क्यूब जब मिल रहे हैं तो मैजिक क्यूब से एक्सचेंज करने के कुछ बंडल भी आपको देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप लोग घबराओ मत मैजिक क्यूब बचा के रखो और जो नए बंडल्स आएंगे आपको बता देंगे यार टाइम पे। नेक्स्ट बात करते हैं लाइट पास डिस्काउंट इवेंट के बारे में, आप सभी को पता है गाइस कि सितंबर और अक्टूबर दोनों मंथ में आपको लाइट पास डिस्काउंट इवेंट देखने को नहीं मिला, पिछली हर मंथ से आपको देखने को मिल रहा था बट यार इन दो मंथों में आपको इलाइट पास डिस्काउंट पे देखने को नहीं मिला। अगर बात करते हैं बाहर के सर्वर्स की तो बाहर सर्वर्स में जैसे पहले से मिलते आ रहे हैं अभी भी यार नॉनस्टॉप मिलते आ रहे हैं, और यार इस मंथ भी देखने को मिला बाहर के सर्वर में, साथ में सितंबर में भी देखने को मिला था, तो भाई ये मुझे काफी गलत बात लगा कि मतलब इलाइट पास आपको बाहर के सर्वर में देखने को मिल जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे क्या चीज़ है जिसके कारण आप लोग यहाँ पे नहीं दे रहे हो और बाहर के सर्वर में दे रहे हो, तो इसका क्या कारण हो सकता है कुछ तो बताओ यार।
और यहाँ पे एक बात और बन जाती है कि यहाँ पे बंदों को जैसे पहले पता था कि आपको डिस्काउंट इवेंट देखने को मिलेगा और यार बहुत सारे यूट्यूबर हैं, हम भी यही बताते हैं कि आपको रेड पास आने वाले टाइम में लास्ट मंथ के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। और ये कन्फर्म भी नहीं हम बताते, लेकिन यार बता देते हैं मिल सकता है, बट यार ये कोई भी कन्फर्मेशन नहीं होता है फ्री फायर गरेना फ्री फायर की तरफ से। और यार ये कम से कम नोटिस दे देना चाहिए, क्योंकि यार जो बंदे यार डायमंड वगैरह बचा के रखते हैं और यार जो शुरू में नहीं लेते हैं उनको यार काफ़ी दिक्कत होती है, बाद में उतना ही डायमंड में आपको परचेज करना होता है लास्ट में भी। और यार इसका शुरू से अगर आप परचेज करते हो तो इसका काफ़ी फायदा भी होता है, बट यार उतना डायमंड लेके आप लोग लास्ट में खरीदते हो तो यहाँ पे कुछ कहे तो यार लॉस ही होता है अपना। तो ये बता देना चाहिए कि आपको रेड पास देखने को मिलेगा या नहीं, कुछ नोटिस वगैरह देख या कुछ शुरुआत में ही जैसे वीकली एजेंडा वगैरह आते हैं उनमें ही बता देना चाहिए कि आपको इस बार लास्ट मंथ में या कहीं भी आपको देखने को मिलेगा कि नहीं इलाइट पास डिस्काउंट पे। तो ये सब भी बता देंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा, जो बंदे यार लेना चाहते हैं शुरू में ही ले लेंगे और वहीं से काफ़ी बेहतर फायदा भी हो जाएगा, और लास्ट में लेने से यार नुकसान भी होता है लॉस होता है, कुछ भी फायदा नहीं होता लास्ट में लेने का। तो कम से कम ये कन्फर्म हो जाना चाहिए कि इस मंथ हमें देखने को मिलेगा कि नहीं इलाइट पास डिस्काउंट पे। और यार पहले ये लिक्स आते थे उसमें कन्फर्म जो बताए जाते थे वो आ ही जाता था, बट इस बार कोई भी लिक्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं और ना ही नवंबर इलाइट पास को भी लेकर, अक्टूबर अगर बात करें तो दिसंबर इलाइट पास को लेकर भी कोई लिक्स नहीं आ रहा है कि आपको देखने को मिलेगा कि नहीं। बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे मिस्ट्री शॉप 11.0 के बारे में कि आएगा कि नहीं, तो कैसे आपको बता देते हैं मिस्ट्री शॉप तो आएगा, ये मतलब आपको जैसे हरदम आपको 2 या 3 मंथ के बाद आपको मिस्ट्री शॉप देखने को मिल जाता है, उसी तरह आपको दिसंबर तक आपको हो सकता है मिस्ट्री शॉप आ जाए 11.0। लेकिन यार अगर बात रहती है इलाइट पास को लेकर तो ये कन्फर्म पहले भी आपको बता दिए पहले के वीडियो में कि ये कन्फर्म नहीं है कि मिस्ट्री शॉप आएगा तो उसमें आपको इलाइट पास देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ये चीज़ कन्फर्म नहीं है। तो यार जहाँ तक बात रही मिस्ट्री शॉप की तो मिस्ट्री शॉप आ सकता है, बट अगर बात करें इलाइट पास डिस्काउंट पर देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये बात अभी कन्फर्म नहीं है, और इसके बारे में कोई भी अगर लिंक्स मिलता है तो आपको जरूर बताएंगे। चैनल के साथ बने रहना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर लेना, साथ ही इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कोई भी अगर आपको जरूरी सवाल पूछने हैं, साथ में डिस्कॉर्ड पे जल्दी ज्वाइन करो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। तो भाई लोग डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स में, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी। और भाई आपको बता दें सेकंड चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं टूर्नामेंट से जो भी रिलेटेड हो और आपको कैसे चीजें करनी है, कैसे आप लोग जीत सकते हो, तो भाई इन सभी का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग चेकआउट जरूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और डिस्कॉर्ड पे जैसे अपने 1K फॉलोअर्स या कह सकते हो मेंबर्स हो जाते हैं हम लोग यहाँ वहाँ पे अनाउंस कर देंगे और टूर्नामेंट अपना शुरू हो जाएगा। तो यार चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय टाटा टेक केयर भाई लोग।